मॉरल ग्राउंड चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन जिसको सरकार चलानी है हम कह रहे हैं चल जाएगी हमें चलानी है हम चला के दिखाएंगे ये बिना बाती बेगानी शादी में, अब्दुल्ला बात दीवाना अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे गलियों में उसके बाद दिल्ली के लोगों ने वोट दिया तो इनको मालूम है कि चुनाव में ये अरविंद केजरीवाल से नहीं जीत सकते इसलिए किसी तरीके से जो है छल कपट से उनको उस कुर्सी से हटाना चाहते हैं। ये आदमी शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है 10 नवंबर 2022 को ईडी ने, ने गिरफ्तार कर लिया तब भी अगले नवंबर में आपने उनसे 50 करोड़ रुपए ले ली मनीष सिसोदिया मिस्टर सत्येंद्र जैन नाउ मिस्टर केजरीवाल डू यू थिंक द पार्टी एज अ होल इज गोइंग टू बी एबल टू टेक सो मेनी सौरभ जी नमस्कार क्विंट और क्विंट हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है बहुत बड़ी बात हो चुकी है भारत की राजनीति में विद मिस्टर केजरीवाल अरेस्ट

अगर अरविंद केजरीवाल दो नवंबर को पेश होते तो दो नवंबर को ही गिरफ्तार किए जाते ये बात हमें मालूम थी लोग कहते हैं कैसे मालूम थी मगर हमें मनीष सिसोदिया जी की भी बात मालूम थी और जब पॉलिटिकल डिसीजंस केंद्र सरकार की तरफ से थोपे जाते हैं तो ये बात आ जाती है कोई ना कोई अफसर जो है ये वाली बातें जो है बताता है तो हमें लग रहा था कि ईडी को नोटिस भी है एक मामले में ज़मानत भी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है तो ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में खास तौर पे जो है गिरफ्तारी जैसा काम नहीं होगा हो सकता है चुनाव के बाद ही तुरंत जो है गिरफ्तार करें मगर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में इन आम चुनावों के रिजल्ट को लेके काफ़ी नर्वसनेस है उन्होंने कई टेस्ट फायर करके देखे बट उनको उससे चुनावी डिविडेंड नहीं मिल रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा करने की कोशिश की मगर लोगों को मालूम है वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का था उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है वे जबरदस्ती उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं सी की कोशिश की उन्होंने मगर उसके अंदर मुस्लिम समाज के आ का जो रिएक्शन था वो काफ़ी कैलिब्रेटेड था काफ़ी मेच्योर था मुस्लिम समाज ये बात समझ रहा है कि वो जितना सी के लिए शोर मचाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी समाज को धर्म की लाइंस पे पोलराइज करेगी तो वहाँ भी आ, बहुत मेच्योरिटी दिखी तो भारतीय जनता पार्टी के लगातार जितने भी प्रयास हैं वो फेल हो रहे हैं और कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है कि केंद्र सरकार ने ये कर दिया इसलिए जो है आप इनको वोट दें क्योंकि तो जो किया वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं और अब बीजेपी एक ऐसे तरीके पे चली है कि आप अपने अपोजिशन पार्टीज़ के सारे रिसोर्स ख़त्म कर दीजिए उनका सारा पैसा ख़त्म कर दीजिए उनको जो लोग पैसा देते हैं उनको डराइए धमकाइए उनके जो नेता हैं उनको जेल का डर दिखा के बोलिए कि आप बैकफुट पे रहिए पार्टियों को तोड़ के उनकी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टियों में शामिल कर दीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो चल रही है उनको गिरा दीजिए और जो फिर भी कुछ नेता बच जाएं जो फिर भी ना माने उनको फिर आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से जो है गिरफ्तार करके कुछ महीनों के लिए तो कम से कम जो है उनकी आवाज़ बंद कर दीजिए तो ये आ, अब ऐसा दिखता है कि यही स्ट्रैटेजी है कि अब अरविंद केजरीवाल जो है जेल में होंगे ना दिल्ली में प्रचार करेंगे ना गुजरात में प्रचार करेंगे ना बाहर कहीं पे जाएंगे तो ये एक अपोजिशन की एक बड़ी आवाज़ जो प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करते थे और उनकी शैली लोगों को बहुत पसंद आती थी और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से डरते नहीं हैं तो उस आवाज़ को इन्होंने एक तरीके से दबाने की कोशिश की है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स डेटा की अगर हम बात करें द आम आदमी पार्टी हेज़ कम आउट विथ लिंक्स ऑफ और फार्मा विथ द बीजेपीट दैट फॉर मैं हैरान हूँ कि मेनस्ट्रीम मीडिया पे इस बात पे बहस क्यों नहीं हो रही साढ़े छः बजे 21 मार्च 2023 हजार को हाथ मरोड़ के आम ट्विस्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने ये लिस्ट वेबसाइट पे डलवाई और ठीक उसी समय लगभग अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ईडी दस्तक दे रही थी और फिर अरविंद केजरीवाल ही चल रहे हैं टीवी पे और अखबारों में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को दबाने की कोशिश की जा रही है नौ बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया तो हेडलाइन मैनेजमेंट तो वो करने में सक्सेसफुल हुए हेडलाइंस पे से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपा लिया मगर कमाल की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी इलेक्टोरल बॉन्ड ही निकल के बाहर आ रहा है जो शरद चंद्र रेड्डी हैं जो इनके मेन जो बताते थे कि ये जो सबसे बड़े किंग पिन बताया गया जिनको आप सोचिए मैं आपको डेट्स के हिसाब से अगर आपको बताऊं कि ये जो पॉलिसी थी जिसको एक्साइज पॉलिसी बोलते हैं और बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी मैं आज भी बोलता हूँ ये बात ये पॉलिसी लागू हुई नवंबर 2021 में और ये पॉलिसी चली जुलाई 2022 तक तो जब यह पॉलिसी चालू थी एक्टिव थी उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से साढ़े चार करोड़ रुपया मिला यानि कि पाँच जनवरी 2022 को इन्होंने तीन करोड़ रुपए दिए दो जुलाई 2022 को इन्होंने डेढ़ करोड़ रुपए दिया साढ़े चार करोड़ रुपए तो तब दिया जब इनके पास दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर पांच जोन थे जो कि एलिगेशन ईडी का है और ईडी कहती है कि इलीगल तरीके से ये जोन लिए गए हैं तो ये हो गया उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए 9 नवंबर 2022 को पहली बार शरद चंद्र रेड्डी की पूछताछ हुई जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं हूं पैसे के लेन देन की कोई बात ही नहीं है दस नवंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अब ईडी यानी कि केंद्र सरकार जिसको कह रही है कि ये किंग पिन है प्रमुख आरोपी हैं एक्साइज कैम के आरोपी हैं आप लोग कह रहे हैं हम नहीं कह रहे ईडी कह रही है केंद्र सरकार कह रही है नवंबर में और उसी दौरान नवंबर में ही वो गिरफ्तार हो रहे हैं दस नवंबर को पंद्रह नवंबर को और बिंदो फार्मा पाँच करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को देती है भारतीय जनता पार्टी ले लेती है भैया आपको नहीं पता ये आरोपी है सारी दुनिया को पता है आप ही तो ढोल पीट रहे हो इनके प्रवक्ता ले लेके नाम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं कि औरबिंदो फार्मा को ये मिला इसने इसको इतना पैसा दिया ये था वो था आप इनसे पाँच करोड़ रुपए ले रहे हैं फिर क्या हुआ आपने उसको जेल में रखा 6 जनवरी को 2023 में जो चार्जशीट दायर हुई उसके अंदर चार्जशीट के अंदर ईडी कहती है कि ये आदमी शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी ने क्या कहा कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है मेरे ऊपर बल का इस्तेमाल किया जा रहा है फोर्स इस्तेमाल की जा रही है मेरे लोगों के ऊपर फोर्स इस्तेमाल की जा रही है मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी लिख के दे रही है वो कह दूं ये बात 20 जनवरी 2023 की है बेल नहीं मिलती तो आप ये सोचिए कि जो पच्चीस करोड़ की कंपनी के मालिक का बेटा है और डायरेक्टर है आप उसको छः महीने तक जेल में सड़ाते हो तो अप्रैल में आके वो टूट गया अप्रैल में आके उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी कि साहब हाँ जो ईडी कह रही है वो सच है मैंने सौ करोड़ रुपये दिए ठीक है अब इन्होंने उसकी जान छोड़ी तो मई में यानी कि मात्र दस दिन में आठ मई को हाई कोर्ट के अंदर उसकी जमानत गई कि साहब इनके कमर में दर्द है और कमर के दर्द पे ईडी उसको अपोज नहीं करती कहते हाँ जी बहुत दर्द है इसकी कमर पे इसको छोड़ दो उसको छोड़ देते हैं तब भी अगले नवंबर में आपने उनसे पचास करोड़ रुपए ले लिए आठ नवंबर दो हजार तेईस को शरद चंद्र रेड्डी द्वारा तीन कंपनियों के माध्यम से पचास करोड़ रुपया आप पीएमएलए के आरोपी से ले रहे हो जिसको आप ढोल बजा बजा के बोल रहे हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो जो चोरी जो थी वो बड़ी मुश्किल थी साबित करनी इसमें ओपन ओपन एंड शट हो गई कि ओपनली यह साबित हो गई कि चोरी किस तरह से की जा रही है एजेंसीज का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है कैसे आर्म ट्विस्टिंग हो रही है साफ हो गई नैरेटिव की अगर एक बात करें आपके विरोधियों का कहना है कि ऑन मॉरल रिजाइन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे जेल से सरकार चलाने के पीछे देश को क्या संदेश देना चाहती है पार्टी देखिए बड़ी मजेदार बात है जिसको सरकार चलानी है आम आदमी पार्टी को उनके लेजिस्चर्स को, को मंत्रियों को मुख्यमंत्रियों को वो कह रहे हैं चल जाएगी हम चला लेंगे कि तुम तुम्हारे से इजाजत लेनी है कि चल पाएगी या नहीं चल पाएगी हम कह रहे हैं चल जाएगी हमें चलानी है हम चला के दिखाएंगे ये बिना बाती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्योंकि इनको चिढ़ है अरविंद केजरीवाल इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गए अमित शाह जी पर्चे बांट रहे थे गलियों में उसके बाद दिल्ली के लोगों ने वोट दिया सत्तर में से सड़सठ सीटें दी हैं फिर बासठ हैं। इतना पोलराइजेशन दिल्ली में करने के बावजूद दिल्ली में बासठ सीटें मिली ये बहुत बड़ी बात है तो इनको मालूम है कि चुनाव में ये अरविंद केजरीवाल से नहीं जीत सकते इसलिए किसी तरीके से जो है छल कपट से उनको उस कुर्सी से हटाना चाहते हैं इंडिया ब्लॉक कि पार्टियों की तरफ से आपको लगता है जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना स्ट्रांगली सपोर्ट मिला है पार्टी को? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिला ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देख के हैरान हैं किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए और उससे भी बड़ी बात यह है कि कई ऐसे हमारे लोग थे जो हमारे आंदोलन के समय हमारे साथ थे बीच में कुछ कारणों से उनके हमारे रास्ते अलग हो गए उन लोगों तक ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से कहा कि जी हमें अरविंद केजरीवाल की बात से कई चीज़ों से हम इतफाक नहीं रखते मगर जो ये सैद्धांतिक रूप से जो है ये गलत हुआ ये इस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती पार्टी के किस तरह के एक्सेस ब्लॉक किए गए हैं क्योंकि उस दिन गोपाल राय जी को उनके घर जाने से रोका गया पार्टी का ऑफिस सील किया हुआ है कौन से एक्सेस और सील किया गया देखिए ऐसा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो नेशनल पार्टी का ऑफिस होता, होता है वहां मेला लगा हुआ होता है टिकटार्थी आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज स्टेट इंचार्जेस कोई पर्चे लेने आ रहा है कोई पैम्फलेट लेने जा रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है आज हमारा ऑफिस सुनसान इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से इन्होंने हमारे चारों तरफ इस ऑफिस के सारे रास्ते सील कर रखे थे सब रस्तों पे पुलिस के पहरे और रैपिड एक्शन फोर्स और वो जो है हथियार लिए पुलिस वाले खड़े हुए थे आम कार्यकर्ता तो छोड़ो ये मंत्रियों तक को जो है अपने ऑफिस नहीं जाना थे दे रहे तो ऐसे कैसे हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि ये इजाजत किसने दी पुलिस को ये ऑर्डर कहाँ से आए या ये जो डीसी पीज है ई सी पी हैं ये मनमानी कर रहे हैं तो हम इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन को करेंगे मिस्टर मनीष सिसोदिया मिस्टर सत्येंद्र जैन नाउ मिस्टर केजरीवाल बिफोर दैट इट वॉज मिस्टर संजय सिंह

तो हो सकता है हमारे सड़सठ सत्तर में से सड़सठ सीटें कभी नहीं आती हमको अट्ठाईस पे ही सरकार चलानी पड़ती मगर वो सरकार गिरी तो लोगों ने सड़सठ दी हो सकता है पहली बार पंजाब में हम सरकार बना लेते मगर पहली बार नहीं बन पाई इसलिए दूसरी बार लोगों ने इतना बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी चाह के भी सरकार नहीं गिरा पाती मैं आपको क्या बताऊं नाम नहीं बताना चाहता ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी वो आए आज सुबह मेरे घर पे उन्होंने बोला कि जी मेरे को तीन दिन से नींद नहीं आ रही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो ये जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है ये इनको बहुत भारी पड़ेगी सौरभ जी क्विंट और क्विंट हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ बड़ी बड़ी बातें पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू